जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं कोरोना वायरस पर। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर 15 बड़े अपडेट आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करें आज के ताज़ा कोरोना आंकड़े को लेकर, तो दरअसल आपको बता दें कोरोना अपडेट के तहत दोस्तों देश में पहली बार एक दिन में 17,000 से ज़्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए। अब तक टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 15,301 तक पहुँच चुकी है। पूरे डिटेल आंकड़े आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, चीनी वायरस को लेकर नए मामलों में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। 24 घंटों के अंदर 17,296 नए मामले देखे गए, लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर भी है। जी हां, दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, लगातार संक्रमित लोगों के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच थोड़ी राहत यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में भले ही एक दिन में 17,296 नए मामले सामने आए हो, लेकिन इस बीच देश में इस वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोस्तों, अब देश में ठीक होने वाले लोगों की दर यानी कि बोले तो रिकवरी रेट जो है ना, वो पहले 56 था, उससे बढ़कर 58.24% हो चुके हैं। तो ये वाकई में राहत की बात है, क्योंकि हफ्ते भर पहले तक चीनी वायरस से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर लगभग 50% के आसपास ही थी। यानी कि अब टोटल संक्रमित लोगों की संख्या की बजाय ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। अभी दोस्तों देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 4,90,401 पहुँच चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस है यानी कि जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो है 1,79,463, जबकि ठीक हो चुके लोगों की संख्या 2,85,637 तक पहुंच चुकी है। अब तक टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 15,301 चली गई है, लेकिन रिकवरी रेट काफ़ी सुधर रहा है, ये राहत की बात है। देश के टॉप 5 राज्यों के आंकड़ों की बात करें तो आप टेबल पर देख पा रहे होंगे, महाराष्ट्र में 1,45,745 मामले हो चुके हैं टोटल, दिल्ली में 73,780, तमिलनाडु में 70,977, गुजरात में 29,578। ठीक है, ये तो रहे भारत में कोरोना के कुछ आंकड़े, तो आइए अब नज़र डालते हैं दोस्तों चीनी वायरस से संबंधित कुछ ताज़ा खबरों पर। वैज्ञानिकों की, साइंटिस्ट की क्या रिसर्च आ रही है, इसके अलावा 28 जून से आखिर किस राज्य के किन किन जगहों पर सख्त लॉकडाउन वापस लागू होने जा रहा है, इसको लेकर भी बड़ा बिग ब्रेकिंग अपडेट है। आपको बताऊंगा कि 28 जून से कहां कहां वापस सख्त लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। साथ ही अगली खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, असम में आज से 12 घंटे का कर्फ्यू लागू हो चुका है और फिर कल से संतात पर यानी कि सप्ताह के अंत पर लास्ट के दिनों में शहरों में भी पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। असम राज्य के अंदर दोस्तों कई जगहों पर वापस फिर से लॉकडाउन लागू किया गया है। मास्क अगर आप नहीं पहनते हैं तो पुलिस के द्वारा चालान भी काटा जाएगा, अब ध्यान रखिएगा। जी हाँ, ये खबर आपको विस्तार से बताता हूँ। तो असम के कांगरूप जिले में 28 जून से फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते असम के गुवाहाटी में सोमवार से वापस 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जी हां, देश के अलग अलग राज्यों में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इसी बीच असम से बड़ी खबर आई है, असम राज्य में लॉकडाउन की मियाद को बढ़ा दिया गया है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने आज घोषणा कर दी है दोस्तों कि कोरोना वायरस के प्रसार की जांच के लिए गुवाहाटी में वर्तमान के लिए लॉकडाउन को अगले 2 सप्ताह के लिए सोमवार से बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के कांगरूप जिले में 28 जून से संपूर्ण लॉकडाउन होगा, ये लॉकडाउन 14 दिनों तक चलेगा। असम में 28 जून से संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।